छत्तीसगढ़ के बालोद में पार्सल ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक ने कहा कि देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि एटीएम से लेकर गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप के साथ साथ अब ऑनलाइन कूरियर में भी फ्रॉड के कई केस सामने आए हैं। जबकि ऑनलाइन कोई शॉपिंग नहीं की है, वे आपसे कहेगा कि पार्सल तो आपके नाम से है, इसलिए आपको ऑर्डर कैंसिल करने के लिए एक ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी बताया तो आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। ध्यान रहे, बिना ऑर्डर के पार्सल मिलने पर डिलीवरी बॉय से किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। और जो ओटीपी किसी पैसे के ट्रांजेक्शन का होता है उनको जानकारी नहीं होती है, जैसे ही वो ओटीपी उस डिलीवरी बॉय को देते हैं तो उनके मतलब अकाउंट से सारे पैसे चले जाते हैं, स्कीमिंग ऑफ होता है। तो इस तरह का जो है नया एक प्रकार का साइबर फ्रॉड आया है, इसमें लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा समय समय पर अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और जन जागरूकता शिविर के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। मातृत्व योजना के नाम से जो ठगी हो रहे थे, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस की वजह से अभी वो केस ठगी नहीं हो पा रही है। और चाहते हैं कि ये जो हम लोग जन जागरूकता कर रहे हैं, अभी चलित थाने लगाया जा रहा है, समाधान शिविर के माध्यम से, इससे भी लोगों को जागरूक करने से बिल्कुल ही फर्क मिलेगा। अभी तक जनवरी से अभी तक 10 प्रकरण अभी तक आए हैं, जिसमें लगातार अभी विवेचना कार्रवाई की जा रही है।